मैं बहुत कीनली सुन रहा था, राइट फ्रॉम पॉलिटिशियन से लेकर ऑटो ड्राइवर तक, जो करप्शन हमारी सोसाइटी में स्प्रेड है और जो कोशिशें और जो आपने कहा, आई रियली अप्रिशिएट, यानी क्योंकि ऐसे सिंसियर ऑनेस्ट लोग जो सोसाइटी में लोगों के राइट्स के लिए खड़े रहें, जैसे कहा जाता है ना, पेन इज़ माइटियर देन द स्वॉर्ड। पहली आयत जो कुरान की आई थी वो थी इकरा, रीड, क्योंकि पढ़ने से, और ये एक स्ट्रेंथ है, ये एक ऐसी चीज़ है, राइट टू इन्फॉर्मेशन, जिसके अंदर एक आम आदमी के हाथ में एक किस्म का पावर आया है। हाँ, वो पावर को मिसयूज़ करने वाले भी लोग हैं और सही यूज़ करने वाले भी लोग हैं, लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर में ऐसा सब क्यों हो रहा है? व्हाई शुड समबडी डू ऑल दिस? आपने ऐसा कहा कि एक मरे हुए इंसान की ज़िंदगी जीना है, तो आखिर में ये क्यों करे कोई? व्हाट डू वी स्टैंड टू गेन? क्या होगा हमारा गोल और पर्पस? तो मैं एक चीज़ फील कर रहा हूँ जो आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ कि एक टाइप का करप्शन है जो करप्शन ऑफ बिलीफ है। अगर बिलीफ में करप्शन हो, जैसे मिसाल के तौर पर कोई शख्स ये समझ नहीं रहा है कि इंसानों का क्रिएटर है, जिसने इंसानों को बनाया है, जो हमारी हर सांस पर जिसका कंट्रोल है। देखिए, बहुत सारे ऐसे मिलियंस ऑफ फैक्टर्स हैं जो एक इंसान के जिस्म को सही तरह से फंक्शन करने से रोक सकते हैं, या बहुत सारे ऐसे मिलियंस ऑफ फैक्टर्स हैं जो इस कायनात और यूनिवर्स जो चल रहा है एक सिस्टम के साथ, वो सिस्टम को डिस्टर्ब कर सकते हैं, लेकिन एक ज़ात और एक ताकत है जो रोक रहा है ये सारे डिस्टर्बिंग फैक्टर्स को, कि जो हमारे जिस्म को डिस्टर्ब ना करे और हमें जीने मिल रहा है, या जो इस यूनिवर्स को डिस्टर्ब ना करे, ज़मीन को डिस्टर्ब ना करे, और ये ज़मीन प्रॉपरली सिस्टमेटिक चल रही है, लेकिन हमेशा के लिए नहीं। अब अगर किसी का बिलीफ उस क्रिएटर के बारे में गलत होता है कि भाई ये पूरी दुनिया को अगर देखें तो कितना परफेक्शन है ये पूरे यूनिवर्स में, अगर नहीं होता तो पूरी यूनिवर्स कब ख़त्म हो चुका होता? तो जिस क्रिएटर ने ये यूनिवर्स को बनाया, क्या वो इंसानों के बीच में इंसाफ नहीं करेगा? क्या वो अच्छों को अच्छाई का बदला नहीं देगा? क्या वो बुरों को बुराई की सज़ा नहीं देगा? तो कोई अगर करप्शन करके आज अगर अपनी जेब भर रहा है, बट अगर वो ये चीज़ को रियलाइज़ करे कि किसी की पकड़ है मुझ पर, चाहे कोई आरटीआई एक्टिविस्ट मेरे खिलाफ कंप्लेन करे या ना करे, लेकिन कोई है जिसके पास सारी इन्फॉर्मेशन है। लोग आरटीआई एक्टिविस्ट से भले ही आज डरने लगे हैं, लेकिन जिसके पास सारी इन्फॉर्मेशन है, पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन, और जो यकीनन इंसाफ करेगा इंसानों में, तो वो उस सोर्स के बारे में अगर बिलीफ में करप्शन आए तो ये फाउंडेशन है, यहाँ से स्प्रिंग आउट होंगी सारी चीज़ें, और यहाँ अगर सुधार आ गया तो चाहे कोई आरटीआई एक्टिविस्ट हो या ना हो, एक सोसाइटी सुधरने लगेगी।